सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक एक लफ्ज पर अमल होगा। ये मंसूर अली शाह का फैसला है। दुनिया देखेगी 25 अक्टूबर के बाद होता क्या है। माहिर कानून अली अहमद कुर्द ने फैसला साजों को खबरदार कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान अली अहमद कुर्द का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला भी तफसीली फैसले की तरह अहम होता है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के एक एक लफ्ज पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तफसीली फैसले में किसी किस्म का अबहाम नहीं है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि हम वकला जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मेरा इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा है कि अपनी जान बचाएं। इलेक्शन कमीशन के अहदेदार कानून के कंजे में आएंगे। दुनिया की कोई ताकत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकती। अगले माह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनोअन अमल होगा। अगले माह पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। अली अहमद कुर्द ने मजीद कहा कि आप उमर अता बंदियाल, काजी फायज ईसा के जमाने के फैसलों को भूल जाएं। ये मंसूर अली शाह का फैसला है और 8 जजेस का फैसला है। आप देखें कि 25 अक्टूबर के बाद होता क्या है। अब वही होगा जो आज के फैसले में लिखा है और सारी दुनिया देखेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अराकीन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।